देव दीपावली तो आदिकाल से चला, हाँ आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ करीब 15 साल से अधिक से चल रहा है। आपको देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब लगे रहिए, दिया जैसे जल रहा है वैसे एकदम जलते रहिए, मध्यम मध्यम एकदम खूब सफलता की ओर जाइए। ये तारा जानकी टोला पड़ेगा बिरगज साइड में। कछाड़ी है कि पहाड़ी है? हम लोग तराई है। तराई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह गाथा याद आती है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गंगा के तट पे जाते हैं अपने पत्नी और भाई के साथ। केवट के अति प्रेम और अति उत्साह की गाथा जब आदमी को याद आता है तो आंखें भर जाती हैं। उसी कुल के बालक ये लोग हैं केवट जी। शुभ दीपावली। आज देव दिवाली है और देव दीपावली के अवसर पर हम लोग मौजूद हैं थावे में, और थावे मंदिर के प्रांगण में गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और आरक्षी अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा दीप जलाया जा रहा है। साथ में मौजूद हैं स्थानीय जिला पार्षद और मंदिर न्यास बोर्ड कमेटी के सदस्य ओम प्रकाश राय जी, तमाम गणमान्य लोग हैं, जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस कप्तान आनंद कुमार के द्वारा दीप जलाया गया। थावे मंदिर का यह परिसर में मन रहा है देव दीपावली। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और तमाम लोग दीपक जला रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक बार जब दैत्य राक्षस का वध किया था और पृथ्वी को राक्षसों के भार से मुक्त किया था, तब देवताओं ने देवलोक में दीप जला करके और भगवान शिव की पूजा और आराधना की थी, दीपोत्सव मनाया था। मेरे साथ एक श्रद्धालु मौजूद हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विजय कुमार। कहाँ घर है? घर तो भोजपुर जिला है। भोजपुर से हैं और विजय जी हैं, दीपावली मनाने आए। जी जी। कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। विजय जी हैं इस प्रकार से तमाम श्रद्धालु हैं। आइए इधर दिखाते हैं आपको स्वास्तिक, देख सकते हैं श्रद्धालुओं की टोली के द्वारा यहाँ स्वास्तिक का निर्माण किया गया है। दीपों से स्वास्तिक बना करके इसको बेहद आकर्षक ढंग से सजाया व संवारा गया है। बीच में पुष्प भी रखे गए हैं। देव दीपावली है और देख सकते हैं स्वास्तिक, किसी ने ओम बनाया है, किसी ने देव दीपावली लिखा है और किसी ने स्वास्तिक बनाया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल दुबे है। राहुल दुबे जी हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा घर सासामूसा है। सासामूसा से आए हैं। आज देव दीपावली है, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी आनंदित और बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा पल है। अपने पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं और यहाँ पे देव दीपावली के जला करके, एक से एक दीप जला करके और खुशियाँ मना रहे हैं परिवार के साथ। क्या नाम है आपका? प्रिंस पांडे। कहाँ आए हैं? थावे मंदिर में देव दीपावली में। अच्छा लग रहा है? अच्छा, पहली बार आए, अच्छा लग रहा है। देव दीपावली और देव दीपावली के अवसर पर आप देख सकते हैं तमाम चारों तरफ दियों की रोशनी है। कहाँ घर है बाबू? रामचंद्रपुर। दिवाली मनाने आए? हाँ दिवाली मनाने आए। क्या नाम है? छोटे लाल यादव। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दीपावली मनाए हैं। आपका क्या नाम है? मुन्ना कुमार यादव। मुन्ना कुमार यादव जी, देखिए यादव जी मिले हैं। कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली मना कर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देख सकते हैं आप, इधर चारों तरफ दिए फैले हुए हैं, चारों तरफ दिए हैं और दीपावली। आज देव दीपावली में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। क्या नाम है आपका? ऋतिक पंडित। ऋतिक पंडित, कहाँ घर है? कहाँ घर है? मेरा घर बंजारी है, बंजारी ब्रह्मस्थान। अच्छा, अच्छा लग रहा है? जी जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देव दीपावली और देव दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं की यह भीड़ देख सकते हैं। कुछ और लोग हैं। कहाँ घर है आपका? सर नेपाल। नेपाल, कौन जगह? ये तारा जानकी टोला पड़ेगा बिरगज साइड में। कछाड़ी है कि पहाड़ी है? हम लोग तराई है। तराई के। तराई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सुधीर महतो केवट। तराई के? जी तराई का। केवट है? जी जी। निषाद राज केवट के? निषाद राज। देखिए भगवान श्री राम के जमाने के केवट मिले हैं और माँ के चरणों में आए हैं। कैसा लग रहा है भाई? आज अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं दीपावली में? पहली बार आया हूँ। आनंद मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय कुमार केवट। वाह, केवट शब्द सुनते हैं तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और रोम रोम रोमांचित हो जाता है। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह गाथा याद आती है,
जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गंगा के तट पे जाते हैं अपने पत्नी और भाई के साथ, केवट के अति प्रेम और अति उत्साह की गाथा जब आदमी को याद आता है तो आंखें भर जाती हैं। उसी कुल के बालक ये लोग हैं। केवट जी, बड़ी अच्छा लग रहा है आज आपसे मुलाकात करके और इस मंदिर में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे भी मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आपके भाव ने मेरी आँखें सजल कर दी और बड़ी आनंद मिला यार, आँखों में आंसू आ गए आपको देख करके। आप चारों तरफ देख सकते हैं, दिए और दिए हैं, दीपावली। कुछ और श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आज कैसा लग रहा है आपको। बहुत ही अद्भुत। अद्भुत क्या? माता का दरबार में आके राजन मदेसिया। आप मेरे फेसबुक के फ्रेंड भी हैं। राजन मदेसिया पहचान रहे हमको? हाँ, राजन जी हैं। और माँ से बड़ी लगाव रहता है आप? बहुत ज्यादा। लगातार माँ के दर्शन के लिए हमेशा? अभी तो समय का अभाव से बहुत कम आ रहा हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है जरूर आता हूँ। आते रहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? ओमकार यादव। वैसे फेसबुक हमारा ओमकार कृष्ण नाम है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा वशिलिया खाप हुआ। अच्छा अच्छा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मना रहे हैं जी देव दिवाली के। सबसे पहले हमारे समस्त जितने भी यहाँ पे भक्त श्रद्धालु आए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी इंडिया में जहाँ पे तीर्थ स्थल पर देव दीपावली मनाया जा रहा है उन लोगों को भी मैं यहाँ से सूचना दे रहा हूँ, उनको भी देव दीपावली की बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस प्रकार से अनेकों श्रद्धालु हैं। आइए देखते हैं जरा देव दीपावली। काफ़ी श्रद्धालु हैं और एक पंडित जी महाराज हैं मेरे साथ, इनसे भी नमस्कार। आज देव दीपावली है जी। जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ? यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आए हैं, अपना दीप जला रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। क्यों मनाया जाता है देव दीपावली? देव दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है जी हमारे सनातन धर्म में जी। इसको मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार है जी। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। और देव दीपावली देख सकते हैं, यहाँ तमाम महिलाएं हैं जो दीप जला रही हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं और दीप जला रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ भी कितना अद्भुत और विहंगम यह दृश्य है देव दीपावली का। चारों तरफ जिधर देखिएगा उधर दीपोत्सव दीपोत्सव, चारों तरफ दीपावली। और देख सकते हैं यहाँ भी, आइए थावे मंदिर के प्रधान पुजारी हैं और पीठाधीश्वर भी हैं श्री सुरेश पांडे जी महाराज, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दीपावली की क्या महिमा है। नमस्कार, आज देव दीपावली है, बड़ी भीड़ है, बड़ा उत्सव है। मैं प्रधान पुजारी सुरेश पांडे। देव दीवाली आज बहुत दिनों से मनाई जा रही है, विंध्याचल के डब्लू बाबा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया जिसमें सब लोग आते हैं। DMSP आज भी आए थे, उन्हीं के द्वारा जो दीप का प्रज्वलित किया गया, इसे सब लोग अपना खुशी मनाते हैं और सब लोग माँ के दरबार में दीपक जलाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देव दीपावली की शुरुआत कब से हुई थी? देव दीपावली तो आदिकाल से चला। हाँ, आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ करीब 15 साल से अधिक से चल रहा है। इसका आज बड़ी दूर दूर के लोग आए, बहुत दूर दूर के लोग आए हुए हैं और अपना अपना दीपक और तेल बत्ती सब लोग लाए हुए हैं और बड़ी खुशी के साथ माई के दरबार में दीप जला रहे हैं, अपनी मनोकामना माँ से रख रहे हैं और सबकी मनोकामना माई पूरा करती है, इसीलिए माई के दरबार भीड़ लगा रहता है। देव दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं की यह भीड़ और मंदिर के प्रधान पुजारी को आप सुन रहे थे। आइए इधर, और कुछ लोग हैं। कहाँ आपका घर हुआ? जी यही पास में भेड़िया ग्राम में हुआ, थावे के पास। देव दीपावली है आज, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। जी जी, खुशी है। प्रकाशोत्सव आज भी मनाया जाता है, वो भी माता के शरण में। बहुत खुशी हो रही है मनाते हुए। हम लोग जब से ये परंपरा चल रहा है, प्रत्येक वर्ष आते हैं। जी जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी सुजीत कुमार पांडे। सुजीत कुमार जी हैं और भेड़िया के हैं, प्रत्येक वर्ष
भी आते हैं। चाची आपका क्या नाम है? विनीता पांडे। आप भी आती हैं प्रत्येक साल? जी जी। दीपक जलाने के लिए? जी। बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? सविता तिवारी। कहाँ घर है? यहीं पे थावे में ही। अच्छा, दीपोत्सव में आई? जी, दीपोत्सव में हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हम माता रानी से यही दुआ करते हैं कि हमारे नगर के जितने भी सदस्य हैं उनको स्वस्थ रखें माता रानी, और ताकि हम उनके समीप आएँ और चरण स्पर्श करें, और इस तरह हर साल हम लोग दीपोत्सव का आनंद उठाएं। क्या नाम है आपका? बड़ा टीका चंदन किए हैं, एकदम भगवा माय हो गए हैं, लगता है आप गोरखपुर से आए हैं क्या? नहीं नहीं, हमारा घर भी गोपालगंज है, और मैं शिक्षक भी हूँ और माता जी का सेवक भी हूँ। प्रतिदिन माता जी का दर्शन होता है। एक माता जी के दरबार में हम हैं, तो माता जी के लिए एक श्लोक मेरे द्वारा निर्मित है, संस्कृत में ही मैं सुनाना चाहूँगा, आप चाहें तो सुना सकते हैं। नाना छत्र विराजिता भगवती सुस्वर्ण रक्तांबरा दुष्टोद्दर्प विनाशिनी किल समाराध्या प्रकाशात्मभिः विध्वंस्याप्य वशिष्ठ राज भवने यानंद युक्ता स्थिता थावे धाम निवासिनी भगवती न पातु सिंह। देव दीपावली का यह अवसर है और मैं मौजूद हूँ थावे मंदिर के परिसर में। थावे मंदिर के परिसर में आज मैं जैसे प्रवेश किया, मेरे साथ मेरी मुलाकात एक वैसे व्यक्तित्व से हुई जो गोपालगंज के विकास के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनकी आवाज़ आज युवाओं की आवाज़ बनी है, उनकी आवाज़ आज राजनीति की आवाज़ बन चुकी है, उनकी आवाज़ का राजनीतिकरण हो चुका है। मैं जिस व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति का नाम विपुल कुमार चौबे है, जो हुंकार दल गोपालगंज के अध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम एक आवाज़ उठाई गई थी गोपालगंज में विश्वविद्यालय को स्थापना को लेकर के, वह आवाज़ विपुल कुमार चौबे की आवाज़ थी, और आज उसका राजनीतिकरण कर लिया गया है। तमाम सत्ता और विपक्ष के लोगों के जुबान पे यूनिवर्सिटी की आवाज़ चल रही है। आज विपुल जी से मेरी मुलाकात हुई है माँ के इस मंदिर के परिसर में, और माँ के श्री चरणों में तमाम लोग हम लोग बैठे हुए हैं और दीपक जलाए हुए हैं। आज देव दीपावली है, बड़ा प्रसन्न है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बड़ी प्रसन्नता है चेहरे पे, बड़ी मुस्कान है, चंदन उंदन सब लगाए हैं, इतनी गर्मी में जैकेट पहने हैं। तबीयत खराब था, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भूमि है ये अपने आप में गौरव की भूमि है, तो यहाँ जब भी हम लोग आते हैं तो एकदम एक उल्लास से आते हैं कि लगता है कि वाह माई के गोदी में आकर बैठ गई बानी, तब वो प्रेम अनंत है, इसलिए खुशी है। क्या कहेंगे, आज तो राजनीति की खेल समाप्त हो गई, चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, आपके बोझ भी कुछ कम हो गए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रांगण में बैठे हैं उस प्रांगण को नमन रहेगा, और गोपालगंज के समस्त जनता को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बधाई देते हैं। और जहां तक रही राजनीति की बात, तो सभी लोग हमारा जो विश्वविद्यालय का, यह जगह राजनीति के चर्चा का नहीं है, लेकिन संजोग है कि आज आपसे मुलाकात हुई है, फिर न जाने कब कहां मुलाकात होगी, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, क्षमा चाहते हुए आपसे दो चार शब्द राजनीति पर भी चर्चा मैं करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। अरे भैया बिल्कुल, हम भी बोलने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि मंदिर का प्रांगण है, उसके बाद लेकिन ले लिए। हाँ, लेकिन फिर भी अगर देखिए, सब कुछ तो यही है, माता ही सब कुछ है, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि थावे वाली माता सब पूरा करेंगी, तो इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार विश्वविद्यालय की आवाज़ उठा रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को भी अपना स्मार पत्र सौंपे थे, मांग पत्र सौंपे थे, और उनसे भी आपने गुजारिश की है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, क्या कुछ उधर से रिजल्ट मिल रहा है? देखिए, हम लोग जब रालसन होटल में वो रुके थे, तो हम लोग गए ज्ञापन लेकर के, तो पहली बात तो बहुत मशक्क़त से मिलने का सौभाग्य हुआ, अब सौभाग्य ही कहेंगे बड़े नेताओं से मिलने का, तो मिलने का बहुत मशक्क़त के बाद वो मिले, तो हम एक पर्चा लेकर के गए थे, तो काफ़ी हम भी जोश में थे, तो पूछा गया कि क्या बात है, आखिर क्यों इतने जोश में लग रहे हो, तो हम बोले कि एक विश्वविद्यालय के लिए हम लोग गोपालगंज से पटना तक गए हैं, तो उसी विश्वविद्यालय के लिए हम चाहते हैं कि जो युवा नेता है पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको हम लोग एक ज्ञापन दे के बताएं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, और युवा मांग कर रहे हैं कि गोपालगंज में एक बेहतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय हो। क्या कहेंगे, देव दीपावली है, आइए हम लोग विषयांतर हो चले थे, अब अपने विषय वस्तु पे आते हैं। देव दीपावली, और देव दीपावली के अवसर पर माँ के चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं, क्या संदेश देंगे पूरे जिले वासियों को, आपके हुंकार दल के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं? सबसे पहले तो यही बताएंगे कि पूरे देश में 52 शक्तिपीठ है, उस 52 शक्तिपीठ में एक ये भी शक्तिपीठ है, मतलब इसके बाद 51 और शक्तिपीठ है,
तो ये बेहद गौरव का विषय है कि अपना भूमि जो गोपालगंज भूमि है ये अपना ये बेहद ऐतिहासिक भूमि है और इस भूमि पे बैठ करके हम गोपालगंज के सभी जनता को सभी भाइयों को बहनों को सबको यही कहेंगे कि एकदम आपको देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब लगे रहिए, दिया जैसे जल रहा है वैसे एकदम जलते रहिए, मध्यम मध्यम एकदम खूब सफलता की ओर जाइए। विपुल चौबे जी हैं, होमगार्ड दल के अध्यक्ष हैं और गोपालगंज को आगे बढ़ाने के लिए विकास के मार्ग पर बड़ी तेज गति से दौड़ाने के लिए इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी चुनाव का मौसम था, चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने अखाड़ों में कूदे हुए थे, विपुल चौबे जी भी उसमें बड़ी चर्चा में थे। जितने उम्मीदवार चर्चा में नहीं थे उससे ज़्यादा विपुल चौबे जी की चर्चा हो रही थी। मामला था गोपालगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर के। तमाम लोगों के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं माँ के श्री चरणों में और तमाम लोगों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं तमाम श्रद्धालु भक्तों को। माँ सबका कल्याण करें। माँ के श्री चरणों में मैं यह निवेदन निवेदित करता हूँ कि माँ सकल जगत का कल्याण करें, प्राणी का कल्याण करें, सब लोग सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।